दरस इस्लाम YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मिलती रहे हर नए वीडियोस की नोटिफिकेशन। आपका अपना दरस इस्लाम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, मैं हूं इनाम और आप देख रहे हैं मेरे साथ दरस इस्लाम YouTube चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक है ईद की शॉपिंग। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस्लाम में फेस्टिवल यानी त्योहार का मतलब नाच गाना, ढोल पीटना, डीजे बजाना और नित नए तरीकों से नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करना हरगिज नहीं है, बल्कि त्योहार का मतलब और मकसद अपनी इबादतों को बढ़ा देना है। जैसे जुमा के दिन भी ईद के दिन की तरह है जिसमें खुतबे का इजाफा है, तो रमजान में तरावी और ईद उल फित्र और ईद उल अदहा के मौके पर भी एक नमाज में इजाफा किया गया है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि अनकरीब ईद उल फित्र आने वाली है। हम में से बहुत से अहबाब ने ईद के मौके पर खुशी जाहिर करने के लिए शॉपिंग करने का इरादा किया होगा, या फिर कम से कम नए कपड़े सिलवाने का इरादा तो कर ही लिया होगा। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि कोरोना वायरस के इस महामारी ने पूरी दुनिया में लाखों लोगों को परेशान कर रखा है। दर हकीकत ये अल्लाह की तरफ से हमारे गुनाहों की नहुसत और आइंदा अपने आप को सुन्नत और शरीयत पर अमलन डाल देने के लिए एक मौका भी। एक तरफ दुनिया इस महामारी से दो चार है, वहीं मसाजिद और दीनी इदारे भी बंद पड़े हुए हैं। यहाँ तक कि रमजान जैसे बाबरकत महीने में भी मसाजिद से हम महरूम हो गए हैं। दोस्तों, फिर हम किस बात की खुशी मनाएंगे? क्या इस बात की खुशी मनाएंगे कि रमजान का बाबरकत महीना भी मस्जिद में नमाज पढ़े बगैर गुजरा, या इस बात की खुशी कि लाखों लोग खाने पीने की कमी से जूझ रहे हैं, या इस बात की खुशी कि उम्मत मुस्लिमा मुल्क की सियासी और माली हालात से दो चार हैं। दोस्तों, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके सोचिए और खुदा रा अपने आप पर रहम कीजिए कि कहीं नफ्सो शैतान हमें इस धोखे में न डाल दे कि हम किसी की आमदनी में मदद करने के लिए खरीद रहे हैं। ये वक्त एक दूसरे की मदद करने का जरूर है, मगर जकात, सदका, लिल्लाह जैसे खर्च करने के कई तरीके हमारे पास मौजूद हैं, जो खालिस अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने का जरिया है। दोस्तों, अपने वक्त के सबसे बड़े बादशाह उमर बिन अब्दुल अजीज के बच्चे जब पुराने कपड़ों से ईद मना सकते हैं, तो हम और आप क्यों नहीं? तो आइए हम सब इरादा करते हैं, अपने आप से वादा करते हैं कि हम इस साल ईद की शॉपिंग नहीं करेंगे। जरूरत जिंदगी से जायद किसी तरह की कोई शॉपिंग नहीं करेंगे, बल्कि अपने इस्तेदाद के मुआफिक लोगों की बिला मजहब की तफरीक मदद करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको सही माना में अमल की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, ये मजमून भी हमारे दोस्त शेख मोहम्मद उवैस का लिखा हुआ है, जो शहर अहमदाबाद से ताल्लुक रखते हैं। दुआ कीजिए उनके लिए, मेरे लिए और दुनिया के तमाम इंसानों के लिए कि अल्लाह ताला खैर व आफियत के फैसले फरमावे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरस इस्लाम YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मिलती रहे हर नए वीडियोस की नोटिफिकेशन। आपका अपना दरस इस्लाम।